हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी के चैप्टर, यानी ज्योग्राफी जो भूगोल है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें हम भूगोल के विषय में बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। फोर्थ क्वेश्चन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। हाउ वेयर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉर्मेड। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हियर। हाउ वेयर द अंडमान एंड निको आइलैंड फॉर्मेड। देयर इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। द आंसर इज हियर, इट इज बिलीव दैट दिस इज द आइलैंड आर एलिवेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन इन द बाय ऑफ बंगाल। देयर इज अ फर्स्ट पॉइंट, इट इज बिलीव दैट दिस आइलैंड आर एलिवेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन इन द बाय ऑफ बंगाल। एंड सेकेंड हियर, they are localized on the submerged of submarine hill range and probably to form it by volcanic eruption. That is a volcanic eruption. And third point is important here, the Andaman Nicobar Island formed. Some of the volcanic mountain are still active over there, and they are large in the size and known as there are variety of flora and fauna here. That is a इम्पोर्टेंट। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो आया है अत्यंत महत्वपूर्ण है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कैसे बना। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंतर्गत कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कैसे बना। जैसे हिमालय का निर्माण हुआ, उसी प्रकार देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। मैं बता दूँ आपको कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का ही एक पार्ट है और ये यूटी के अंतर्गत आता है। जैसे आपका चंडीगढ़ यूटी में आता है, दिल्ली यूटी में आता है, उसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी यूटी के क्षेत्र में आता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इसका आखिर निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि ये तो अगर आपको ज्ञान हो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में, तो बाय ऑफ बंगाल के साइड है और ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी कहते हैं पानी के अंदर एक द्वीप है। और ये द्वीप कैसे निर्माण हुआ, आखिर इस द्वीप का निर्माण होना कैसे स्वाभाविक बनी, तो ये बहुत काफ़ी गहरा क्वेश्चन है। अगर आप गहराई से समझने की कोशिश करोगे तो बहुत गहरा क्वेश्चन है। कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहले अपराधियों को भेजा जाता था, जो कि काफ़ी खतरनाक अपराधी हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ से उनको भागने का कोई भी मौका प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता था। इसे अगर जर्नली लैंग्वेज में आपने कभी सुना भी होगा तो इसे काला पानी के नाम से पहले जाना जाता था। ठीक है, अगर आप अपने दादा परदादा मम्मी पापा से पूछिएगा कि काला पानी किस क्षेत्र का नाम है, तो वो साफ इसके बारे में बताएंगे और समझाने की कोशिश भी करेंगे। तो देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही उठता है कि आखिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निर्माण हुआ किस तरह, इसके लिए कौन से फैक्टर थे, कौन से कारक थे जो इसके निर्माण के लिए उत्तरदायी थे। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये साफ हो जाता है कि ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी पर्वतों का एक ऊंचा हिस्सा है। अब देखिए कितना इंटेलिजेंट यहाँ पर आंसर आया कि ऐसा माना जाता है कि ये द्वीप बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी पहाड़ों का एक ऊंचा हिस्सा है। अब सोचिएगा पनडुब्बी पहाड़ें होती क्या है, तो ये बहुत काफ़ी दिलचस्प बात यहाँ पर रखता है कि द्वीप समूह की खाड़ी में, देखिए पनडुब्बी पहाड़ें, यानी पहले डूबी हुई थी ये पहाड़ें, लेकिन क्या हुआ किसी कारणवश, किसी रीजनवश वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लग गई। ठीक है, तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण लगता है, ये पनडुब्बी पहाड़ें जो थी धीरे धीरे एक ऊंचा हिस्सा के रूप में हमारे समक्ष आई और इस वजह से जो है इस द्वीप का निर्माण हुआ। कहते हैं वो एक जलमग्न या पनडुब्बी पहाड़ी श्रृंखला में स्थित है और समता ज्वालामुखी विस्फोट से बने होती हैं। यानी देखा जाए तो इस बात से आप जो है कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि ऐसे बहुत से द्वीप समूह हैं जो अभी भी पनडुब्बी पहाड़ के रूप में जो है जल के अंदर समाये हुए हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इसका भी निर्माण हो। ऐसे बहुत से आप देखोगे द्वीप जो इसी प्रकार से निर्माण से बने हुए हैं। कहते हैं ज्वालामुखी के विस्फोट से ये बनते हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। ये एक जलमग्न होते हैं, यानी जल के अंदर डूबे हुए रहते हैं, यही से पनडुब्बी पहाड़ी श्रृंखला के स्थित होते हैं, और संभवतः ये ज्वालामुखी विस्फोट से ही बनते हैं। यानी आप समझ गए होंगे कि पनडुब्बी पहाड़ जो होते हैं
वो निकलते हैं। और ये पनडुब्बी पहाड़ होते क्यों हैं? क्योंकि ज्वालामुखी के विस्फोट के कारण ऐसा होता है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होगा तो ये जो है द्वीपों का निर्माण होना स्वाभाविक बन जाती है। अगर हम बात हम तीसरे पॉइंट की करें तो ये साफ कर देता है कि कुछ ज्वालामुखी पर्वत अभी भी यहाँ पर सक्रिय हैं, यानी अभी भी कई ज्वालामुखी पर्वत जो है यहाँ पर सक्रिय है, यानी एक्टिव फॉर्म में है। और वो आकार में बहुत ही बड़े होते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के वनस्पति और जीवों के लिए जाने जाते हैं। तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे आइसलैंड हैं जो ज्वालामुखी के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर हर तरह के जीव जंतु वनस्पति आपको पनपते हुए नजर आएंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसे बना इसके बारे में आपने विस्तार पूर्वक समझ लिया और जान लिया। कहते हैं छोटा क्वेश्चन लेकिन इसका जो है घाव बहुत तगड़ी है, यानी बहुत काफ़ी जो है ये चैप्टरों को समेट रखा है।